दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल वीज इफेक्ट्स पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रिएट न्यू सीक्वेंस के बारे में कि कैसे हम नया सीक्वेंस EDS पर बनाते हैं। ये देखिए, ये हमने EDS ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट बनाना बताऊंगा कि न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं उसके लिए, फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा न्यू सीक्वेंस बनाना। तो न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, ये न्यू प्रोजेक्ट हमने लिया और ये आपसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट नेम। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आज की डेट डाल देते हैं, 01 कर देते हैं और सुमित कैप्स में कर लेते हैं, सुमित वेडिंग प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने सुमित वेडिंग प्रोजेक्ट आ गया तो आपने क्या जाना है, क्या करना है, अपनी कहीं पे भी डिक्शनरी में या अपनी डी ड्राइव में, यहाँ पे ई ड्राइव मेरे पास है, यहाँ पे एक मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे ट्रेनिंग का मैं फोल्डर क्रिएट कर लिया, ये ट्रेनिंग का। तो हमने क्या करना है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हम सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपका ये 4K का साइज लगा हुआ है अभी तक जो साइज है, तो यहाँ पे मैं कस्टमाइज कर दूंगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इसको हम ओके करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका कि वीडियो प्रेजेंट आपके कौन कौन से हैं। तो इसमें अभी तक जो साइज लगा हुआ था 4K का लगा हुआ था, अब मैं आपको नॉर्मली जो साइज होता है वो बता देता हूँ। ये देखिए इसमें अलग अलग साइज होते हैं, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 2K का भी साइज है और 4K का भी है इसमें। तो 2K के लिए क्या होता है, आपको अपने कॉन्फ़िगरेशन की या रैम सिस्टम की बढ़ानी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको 1920x1080 का बता रहा हूँ, ये हमने कर दिया यहाँ से और डिस्प्ले रेशो इसका यही रहेगा। और यहाँ से आप रेंडर फॉर्मेट इस टाइप से कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी ऑडियो इतनी ही रहेगी, है ना। यहाँ से आप जो भी चाहें अपने लिए साइज बना सकते हो, ऑलरेडी यहाँ पे 4K तक भी आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये मैं आपको HD फॉर्मेट में कर देता हूँ, ठीक है, 50, और इसको ओके कर देता हूँ। ये देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया है इस वक्त। तो इस तरह आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप कैसे न्यू सीक्वेंस बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा आपके अगले एपिसोड में। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द YouTube चैनल।